हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल इंडिया सोलो। अभी सुबह के बज रहे हैं 10। मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मेरा अभी बड़ौदा के लिए जो ट्रिप है वो तकरीबन एक घंटा डेढ़ घंटे लगेंगे, डेढ़ से दो घंटा मान के चलिएगा। तो वहाँ पे मैं जाऊँगा, कुछ लोकल हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो कि एक्सप्लोर करूँगा एंड बाकी के अपडेट्स में दूंगा। लेकिन इन द मीन वाइल एक अपडेट है, ये जो मतलब मैं यहाँ पे आज जो रुका था, मतलब नाइट जो स्टे किया था, वो होटल का नाम जो है कि होटल सर्वोत्तम, ठीक ठाक ही है ओवरनाइट स्टे के लिए। आई एम सॉरी फॉर, मैंने जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है मतलब आपको गलत होटल का नाम दिया था, दिस इज होटल सर्वोत्तम, ठीक ठाक है वन नाइट स्टे के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर से जो है कि मतलब नीट एंड क्लीन है और रीजनेबल है। हाँ, एक चीज़ है कि मतलब आप जो है कि इसको थोड़ा सा बार्गेन करना पड़ेगा, वो हर जगह पे करनी पड़ती है। अभी मैं निकल जाऊँगा, टाइम हो गया है सुबह का 10। तो बड़ौदा पहुँचते पहुँचते मतलब 11:30, फिर वहाँ से लोकल थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा, फिर उसके बाद जो है कि मतलब आगे की अपडेट दूंगा मैं। अब जैसे देख सकते हैं कि मतलब मैं ये हाईवे के ऊपर ही है, तो भरूच में ही है, और ये रहा वो होटल जहाँ पे कि मैं रह चुका हूँ आज, मतलब नाइट स्टे किया था। तो होटल सर्वोत्तम ठीक ठाक जगह है, आपको अगर सेल्फ ड्राइव करके आ रहे हैं गाड़ी पार्किंग भी कर सकते हैं, मेरे पीछे देखेंगे तो मतलब आपको पार्किंग वगैरह सब मिलेगा। यहाँ पे मतलब रोड्स बहुत ही अच्छे हैं, मतलब नेशनल हाईवे है लेकिन बहुत मेंटेन्ड है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ही है, तो जिसके चलते जो है कि मतलब रोड्स काफी मेंटेन्ड है, लेकिन ट्रैफिक बहुत है, दिन में भी ट्रैफिक है, रात में भी ट्रैफिक है। और ये ट्रैफिक जो है कि मतलब इज नॉट जस्ट द पैसेंजर कार्स और समथिंग, इज ऑल मतलब हेवी व्हीकल्स है। ये दोनों तरफ जो है कि मतलब काफी मेंटेन्ड है, बहुत ग्रीनरी जैसा लगेगा आपको, कुछ कुछ आपको दिखता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे दिखता है ये पूरा एरिया। मतलब हाईवे है लेकिन बहुत ही स्मूथ हाईवे है। क्यों गुजरात इतनी डेवलप्ड है, और द ओनली रीजन इज यहाँ की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, रोड्स काफी अच्छा है, और इंडस्ट्रियल बेल्ट है, रोड्स काफी अच्छे हैं। लेकिन वही चीज अगर हम सिमिलर नेशनल हाईवे जो है कि मतलब आंध्र प्रदेश में जाएंगे या फिर तेलंगाना में जाएंगे, तेलंगाना में कुछ रोड्स को छोड़ के, लेकिन जो एक्चुअल कैलकटा एंड चेन्नई का जो हाईवे है वो, और खास करके जो आंध्र प्रदेश का जो बेल्ट है वो बहुत ही खराब है। मैं ट्रैवल किया, इतना ज़्यादा मतलब रोड एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो रोड एनक्रोचमेंट है ही नहीं यहाँ पे, रोड्स पे मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं है, और आपको हर 4-5 किलोमीटर में आपको बड़े बड़े होटल्स मिल जाएंगी। जैसे देखेंगे आप यहाँ पे देखोगे लेफ्ट साइड जो है कि मतलब ऐसे होटल काफी बड़े बड़े हैं, और यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, ऐसा एक नहीं है, हर 2-3 किलोमीटर में आपको होटल्स मिल जाएंगे। यू विल सरप्राइज कि मतलब खाना काफी अच्छा मिलेगा जो है कि मतलब काफी स्पेशियस है, पार्किंग कर सकते हो गाड़ियां, और एक साथ जो है कि मतलब 40-50 गाड़ियां पार्किंग हो सकती है, इतनी बड़ी बड़ी प्लेसेस स्पेसेस रखते हैं। वही मैं ईस्ट पे गया था, हाईवे पे गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं रहती है, बहुत छोटे छोटे हैं, और खाना
खाना अच्छा नहीं मिलता है, तो एट द एंड ऑफ द टूर में क्या चाहिए आपको? मतलब खाना अच्छा हो और रोड अच्छे हो, बाकी सब मजा आता है वहां। और घूमने के लिए तो जगह बनी जाती है, लोग तो घूम ही लेते हैं कहीं ना कहीं। वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ बड़ौदा इज द सुरसागर लेक। द सुरसागर लेक वो लेक इज ऑलमोस्ट हार्ट ऑफ द सिटी, सिटी के हार्ट में है। इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। अभी मेरे कुछ लोगों से बात हो रही थी, बीचों बीच जो महादेव का स्टेचू है वो जो है कि मतलब अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसके ऊपर अभी कॉपर की प्लेट्स लगाई जाएंगी और लगभग 3-4 महीने के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सुनने में आया कि मतलब नियर अबाउट 20 किलो का जो है कि मतलब गोल्ड प्लेटिंग भी होगा। तो ये कुल मिला के 6 महीने का पूरा है। 6 महीने के बाद दिस इज गोइंग टू बी वेरी ऑसम। थोड़ा छोटा सा चेंज प्लान में हुआ है। मैंने बड़ौदा में रुका था लेकिन सारे चीज़ें जो है कि 4 बजे के बाद खुलते हैं वहाँ पे, जैसे स्वामीनारायण टेम्पल हो गया, इंटरनेट पे देखा था तो वहाँ पे तो मेंशन हुआ है कि मतलब दिन भर खुला है, लेकिन जैसे वहाँ पे पहुँचा बोले कि अभी 4 बजे के बाद ही आओ। तो मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि मतलब बड़ौदा छोड़ के मैं अभी भावनगर चला जाता हूँ आज। भावनगर तो पूरा नहीं जा पाऊंगा लेकिन मोस्टली उससे पहले ही कहीं पे रुक जाऊंगा। और कल मेरा प्लान रहेगा कि मतलब भावनगर से मैं दीव जाऊंगा। भावनगर कल सुबह पहुंचूंगा, पहुंच के फिर वहां पे थोड़ा सा घूमूंगा और वहां उसके बाद वहां से मैं दीव चला जाऊंगा। ड्यू इज़ द प्लेस जो हमारी एक टाइम पे एक कॉलोनी हुआ करती थी, मेरे ख्याल से पुर्तगाल्स की हो रही थी कॉलोनी थी। तो आज के डेट पे तो वो इंडिया का मतलब एक क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरी है। तो ड्यू एक बार जाऊँगा, देन आई विल रोम अराउंड इन सम बीचेस, एक तो बीच पे जाऊँगा घूमूंगा ज़रा, फिर उसके बाद फ्रॉम वहाँ से मैं सीधा Then I'll plan for सोमनाथ, क्योंकि बहुत अरसे से एक ड्रीम था कि मतलब सोमनाथ भी जाएंगे करके। तो शायद कल नहीं तो फिर परसों सोमनाथ के दर्शन हो जाएगी। इट ऑल डिपेंड्स अपन कि मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है। तो लेकिन प्लान तो अभी फिलहाल वही है कि सोमनाथ जाने का प्लान है। तो आज कोशिश करूंगा कि मतलब भावनगर पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भावनगर से सीधा ड्यू जो कि कल पहुंच जाऊंगा। ड्यू लेकिन जाना है एक बार, ड्यू जाके फिर वहां पे हो सके तो मैं नाइट स्टे भी कर लूँ वहां पे ड्यू में, फिर
वहां से मैं आई प्लान फॉर सोमनाथ। तो अभी फिलहाल मैं बड़ोड़ा छोड़ चुका हूँ, वडोदरा से मैं लगभग एक 60 किलोमीटर के आसपास आ चुका हूँ। तो अभी आई एम ऑन माई वे टू भावनगर। बहुत भूख लगी है, टाइम 3:30 हो गया, तो मैं सोचा कि कुछ खाने के लिए रुकता हूँ। तो एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे हाईवे पे, होटल है तो आशीर्वाद नाम है, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ खा के। कुछ ये नहीं कह सकता कि मतलब अच्छा नहीं है करके, क्योंकि खाना कभी अच्छा नहीं बुरा नहीं होता है। तो खाना ठीक है, चलेगा, खा सकता है। तो चले, खाना वाना तो हो गया। अभी 2:40 दिखा रहा है भावनगर के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मतलब 6 बजे तक पहुंच के फिर वहां से, मुझे आज मंडे है तो लॉगिन करना ही है ऑफिस, फिर काम चालू करना है। मेरे कुछ मीटिंग्स हैं और कुछ क्या बोलते हैं रिपोर्ट्स वगैरह के काम है, तो वो 6 बजे के आसपास मैं फिर ब्लॉगर्स वहीं तक पॉज करके फिर वहाँ से फिर काम करना चालू करूँगा। एंड आई विल अपडेट व्हाट एवर इट इज, मैं कहाँ पे रुकता हूँ, क्या रुकता हूँ, कैसे रुक रहा हूँ, वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा एज यूजुअल। भावनगर के लिए कट है जो कि मेन हाईवे था, हाईवे से अब हम ये स्टेट हाईवे के अंदर आ गए हैं। तो ये लगभग सिंगल रोड ही है और मुझे जितना लगता है कि ये ऐसे ही रहेगा, बट पता नहीं आगे का, लेकिन सिंगल रोड है। हालांकि हैवी व्हीकल का थोड़ा ट्रैफिक कम है, बट ओवरऑल रास्ता तो ठीक ही है, इट्स नॉट बैड। Guys, this is the temple where I am staying tonight. So here there is a huge open space, the temple is there, nicely built, and काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क किया, मैंने मंदिर में पूछा कि मतलब यहाँ क्या मैं रह सकता हूँ, तो बोले कि हाँ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस मंदिर में जो है कि आज रात मैं स्टे करूंगा और गाड़ी में ही सो जाऊंगा, और आगे जो है कि मतलब मैं आपको फिर उससे अपडेट। फ्रेंड्स, ये मैंने जैसे आपको बताया कि मंदिर के पास ही मैं रुकने वाला हूं करके, तो यहीं पे मैं आज नाइट हॉल्ट कर रहा हूं मंदिर के पास ही। काफ़ी बड़ा जगह है, एकदम खुला जगह है, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, वैसे तो गुजरात में लोग हैं ही अच्छे, और यहाँ पे ही खाने का ही बंदोबस्त है। ये मेरे ख्याल से मतलब टेंपल का ट्रस्ट है जो कि पूरा मैनेज करता है, तो यहाँ पे कभी भी आओ तो आपको खाना मिलते रहेगा, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि जिस तरह से खाना बना के रखे हैं, तो उससे मुझे ये लगा कि मतलब आप कभी भी आओ तो खाना मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और दूसरी बात है कि मतलब अब रह सकते हैं, अपनी गाड़ी में लेके आ रहे हैं तो मतलब गाड़ी में आइए, आराम से रुकिए और जाइए। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विथ योर ओन टेंट एंड ऑल, देन यू कैन आस्क परमिशन एंड पुट द टेंट एंड यू कैन स्टे। तो ऐसा चालू है, और अभी मेरा काम चालू है ऑफिस का। तो हाँ, मैं आपको कुछ दिखाने वाला था कि मेरा ऑफिस सेटअप कैसा रहता है अंदर। तो अभी ये लैपटॉप और ये एक छोटा सा प्लग एंड प्ले वाला मतलब लाइट है जो कि काम आता है, और ये मेरा चार्जर है, उसको थोड़ा सा लाइट देता हूँ मैं आपको। ये मेरा चार्जर है जो कि मैंने परचेज किया था अमेज़न में, तो आपको शायद दिख रहा होगा।
अभी नहीं दिखाया तो मैं कल सुबह दिखाऊंगा आपको, मतलब कल सुबह दिखाऊंगा ये। तो इससे जो है कि लैपटॉप वगैरह चार्ज हो जाती है, आपको गाड़ी थोड़ी देर ऑन रखनी पड़ेगी जब तक चार्ज करते हैं। तो वैसे भी ये लैपटॉप अगर मैं एक बार फुल चार्ज हो गया तो तकरीबन 2-3 घंटे तो आराम से चली जाते हैं। और दूसरी बात है कि मतलब ये पीछे मेरा स्टफ़, ये सारे मेरे लैपटॉप बैग वगैरह सब ऐसे है। सो दैट्स इट। तो आज के लिए मैं ये ब्लॉग अभी यहीं पे एंड करता हूँ। आपको अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगी तो अगर मेरे यहाँ से मतलब कुछ आपको लगा कि मतलब आप भी कर सकते हैं, दैट विल बी एन गुड वन फॉर मी, कि मतलब मेरे वजह से किसी और ने हिम्मत की, ऐसा मुझे लगेगा। और आजकल की कॉमन है कि मतलब हम लोग जब तक वर्क फ्रॉम होम है, वी कैन ट्रैवल एंड वी कैन वर्क। सो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटी भी है, ये वी कैन एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। और रही बात, आपको अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट।